अस्सलाम वालेकुम, क्वार्टर 9 दरबार पे खुश आमदीद। आज जो है वो मुल्क भर में इकबाल डे मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल को नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े सभी जो है वो शानदार अंदाज से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से जो है फैसलाबाद आर्ट कौंसिल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, उसके साथ डायरेक्टर आर्ट कौंसिल और दीगर असाज़ा और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो टैबलो भी पेश किए जाएंगे, मिली रंग में भी पेश किए जाएंगे, तकरीरी मुकाबले होंगे। ये तमाम तर जो इवेंट है ये हम आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंसेस। ये किताबुल्लाह की ताबीदात में उलझा रहे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है सबसे थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के लिए मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है हम, रोब से लड़ जाते थे। अजमी तुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है नहीं, नगमा हिंदी है तो क्या, लै तो हिजाजी है। वंस अगेन मेरा टीचर्स से और प्रिंसिपल साहिबान जो यहाँ मौजूद हैं उनसे फिर ये होगा कि जो मैंने मैसेज बच्चों के लिए दिया है इसकी रियलाइजेशन में आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को असिस्ट करें। अगर हमने ये ना किया तो हमारी कौम जो पहले ही दुनिया की अकवाम में पीछे रहती जा रही है वो आगे बढ़ने की बजाय और पीछे हो जाएगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आर्ट्स कौंसिल की मैनेजमेंट को, आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ आए जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स पेश किए, उसमें बिल्कुल छोटे बच्चे भी हैं। इधर हमारा और ऊपर जो बैठी है गैलरी उसमें ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे भी हैं। एंड इस एक्सरसाइज से गुजरना भी एक बड़ी ट्रेनिंग होती है, तो ऐसे इवेंट्स को जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी खराज तहसीन तो पेश किया गया लेकिन इससे बच्चों में भरपूर एतमाद भी पैदा हुआ है। बच्चे जब इस तरह की खुदी के फ़लसफे को समझेंगे, अभी उनकी उम्र नहीं है कि खुदी को फ़लसफे को इतनी गहराई से जान सकें, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस से उनके दिल में भरपूर ख्वाहिश पैदा होगी कि जिस चीज़ में उन्होंने परफॉर्म किया वो उस चीज़ को जाने भी। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है जो तमाम स्कूल्स वालों ने की है। सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू। 9 नवंबर है तो इस तरह के जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह के प्रोग्राम होने से हमें हमारे आने वाले बच्चों को हमारी अहम शख्सियात का पता चलता है, तो जिसकी वजह से मतलब उनमें एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और दूसरा ये कि हमारी जो अहम हीरोज़ हैं उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया हुआ है वो बच्चों को पता चलता है। जी तो यहाँ पर हमारे साथ इकबाल के शहीन बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद हैं जो आज अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश कर रही हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह वो आज का दिन सेलिब्रेट कर रही हैं और क्या ख्वाब है उनके। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि आज आप यहाँ पे इकबाल डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? हम इकबाल डे इस दिन सेलिब्रेट करने आए हैं। जो अल्लामा इकबाल ने जो हमारे लिए ख्वाब देखा हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरा करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे इकबाल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत स्कूल्स, बहुत से बच्चे आए हैं उनकी तरफ से, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह की परफॉर्मेंसेज होती रहनी चाहिए ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले। आज 9 नवंबर जो 2021 हमने इकबाल डे बनाया, नुसरत अली खान ऑडिटोरियम में टैबलोस हुए, तकरीर हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब आए,
हमें इसमें आज काफ़ी मज़ा भी आया, इंटरटेनमेंट भी थी, नॉलेज भी था, इसलिए ऐसे के इवेंट्स होने चाहिए। आज के दिन की जो तकरीब थी वो बहुत अच्छी रही है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को और हमारे बच्चों को और साथ के लिए ये एक बहुत मोटिवेशनल पैगाम है जो हम तक पहुंचना चाहिए, लाजमी है। अगर इसी तरह के इवेंट्स होंगे तो बच्चों को याद रहेंगे हमारे नेशनल हीरोज़, अदरवाइज जैसा आजकल का माहौल चल रहा है जो टीवीज़ और बच्चे नेट पे इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, नॉलेजफुल हैं, ताकि वो बच्चे अवेयरनेस में रहें और उनके अपने नेशनल हीरोज़ को वो अपनी याद में ताज़ा रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों ने भी इंजॉय किया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर टीचर्स बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनका भी यही कहना है कि ये इवेंट बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, इससे बच्चों के नॉलेज में भी इजाफा होता है, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।